यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब वेजिटेबल ऑयल रिफाइनिंग कंपनी ऑब्टेन फोर प्रोडक्ट हुज कॉस्ट डिटेल्स आर जॉइंट कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट्स फोर प्रोडक्ट्स इज दिस आउटपुट दे रखी है हमें, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी दे रखा है। द प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड एज इंटरमीडिएट दैट इज एट स्प्रेड अप पॉइंट विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। ओके, द सेल प्राइस अगर हम सेल प्राइस को एज अ फिनिश गुड्स बेचते हैं तो सेल वैल्यूज अलग दी हैं, और अगर हम एज इंटरमीडिएट बेचते हैं तो सेल वैल्यूज अलग दी हैं। कैलकुलेट द प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट एलोकेटिंग जॉइंट कॉस्ट ऑन एनआरपी बेस। कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी इन सेलिंग द प्रोडक्ट विद एंड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स करते हैं। एनआरपी का मतलब आप समझते हैं, एनआरपी हम लोग निकालते हैं सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है, टोटल सेल में से हम सेपरेट एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा आप, मैं ब्रीफ कर दूंगा आपको। एनआरबी इसका मतलब है नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है टोटल सेल वैल्यू या सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इफ गिवन, अगर दी हो तो। नॉर्मली हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ज्यादातर हमें ये मिल जाता है, इसलिए हम सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में से फर्दर प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस माइनस करके हम एनआरबी निकाल देते हैं। चलिए तो अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। हमारे पास तीन चार प्रोडक्ट्स हैं, ए बी सी डी, और ये हमारा टोटल है सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेस। ये दिए है देखिए 5 लाख × 1.84, तो 9,20,000, 80,000, 32,000, 2,400,030, 1,272,030। इसमें से हम फर्दर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, फर्दर प्रोसेस एक्सपेंसेस हमारे माइनस कर देंगे 240, 48, 0, 8030, 296030। तो ये हमारी एनआरबी निकल आती है 6,80,000, 32,000, 32,000, 2,32,000। इसकी वैल्यू जो है 9,76,000। जॉइंट कॉस्ट ऑफ कितनी है मेरी जॉइंट कॉस्ट, जरा देखें। सबसे ऊपर लिखी है 8,29,600। इसको हम एनआरबी में बांट देंगे,
तो रेशियो निकालने के बाद ये आएगी 578, 27200, 27200, 197200, 829600। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आया 1,02,4800। ठीक है, पहला तो इन्होंने बोला था कि प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकाल दीजिए, तो वो हमने पहला पार्ट कर दिया। अब दूसरा पार्ट उन्होंने पूछा है कि अगर मैं विद और विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग करता हूं तो ये फर्दर प्रोसेसिंग है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं कहता हूं ये विदाउट फर्दर प्रोसेस है, तो प्रोडक्ट हमारे देखें ए बी सी डी हैं और ये टोटल सेल वैल्यू एस स्प्लिट ऑफ पॉइंट हमें दिए, देखिए 1.2 इसका मतलब 6 लाख रुपए, 888,000 माइनस शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट, एनआरबी बेसिस का मतलब है यही वाली वैल्यूज यहां ले लेंगे हम, 5,78,000, 27,200, 1,97,200। तो ये प्रॉफिट आ रहा हमारा 22,000, 12,800, 4,800, 18,800, 58,400। अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि ये हमारा ज्यादा है और ये ज्यादा है, ये सेम है और ये कम है। मतलब ये दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको अगर मैं प्रोसेस करता हूं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है या सेम रहता है। ठीक है, तो यहीं से मुझे डिसीजन मिल जाता है कि मुझे प्रोडक्ट ए और डी को प्रोसेस करना चाहिए, प्रोडक्ट बी और सी को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल करना चाहिए। लेकिन अगर वो कहें कि इसकी वर्किंग बनाए तो हम उसको भी कर सकते हैं, हम इसको शो करते हैं स्टेटमेंट ऑफ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ड्यू टू फर्दर प्रोसेस। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी डी। हम कहेंगे सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेस 9,20,000, 80,000, 32,000, सेल एट स्प्लिट ऑफ 6,40,000, 32,000। तो इंक्रीमेंटल सेल क्या है? तीन लाख बीस हजार, 40,000, 24,030,
फर्दर प्रोसेस कॉस्ट क्या है? इसमें है 240, इसमें है 48,000, इसमें 8,030। तो नेट बेनिफिट ड्यू टू फर्दर प्रोसेस, ये क्या हो रहा है? 80,000 माइनस 8,000 नील, और 16,000, ठीक है ना। तो इट मींस हमें इसको फर्दर प्रोसेस करें और इसको भी हम फर्दर प्रोसेस करें, इसको हम स्प्लिट ऑफ पे बेचें और इसको भी हम स्प्लिट ऑफ पे बेचें, ये डिसीजन हो गया। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। इस क्वेश्चन में ये जो हमने फर्दर एक्सपेंसेस है ना, ये वाले जो सेल में एक्सपेंसेस है, इसको हम एनआरबी की बजाय हम इस रेशियो में बांट सकते थे, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो फिर हमारी ये वैल्यू जो भी हमने एनआरबी 976 पे बांटा है वो हमारी फिर 888 पे बढ़ जाती, तो बाकी कैलकुलेशन सेम रहती। तो लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें कभी कभी ये सेल वैल्यू नहीं दी होती है, तो हम एनआरबी कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो आप एनआरबी पे ही करिएगा। थैंक यू वेरी मच।